गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भगवती शर्मा और मैं आपको आज आईटीआई का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ हैमर्स, जो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो कराऊंगी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैमर्स। हैमर्स क्या हैं? जैसे हम सभी जानते हैं हैमर्स माने हथौड़ा, तो हथौड़ा या हैमर क्या है? एक चोट मारने वाला औजार है, जिससे हम चोट मारते हैं उसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग। तो हैमर एक स्ट्राइकिंग टूल है। हैमर की धातु क्या होती है? हैमर साधारणतया ड्रॉप फोर्ज स्टील के बनाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी हैमर किस धातु के बने होते हैं, तो आपको क्या लिखना है एग्जाम में, ड्रॉप फोर्ज स्टील। हैमर के विभिन्न भागों के नाम ये आप चित्र में देखेंगे। इसका जो ऊपर का सिरा है इसको बोलते हैं पीन, नीचे फेस, आई होल, ये जिसमें आप अपना लकड़ी का जो हैंडल है वो लगाते हैं उस होल को बोलते हैं आई होल, नेक, चीक। तो ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग पर्पज़ से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में आता है ड्राइंग के एग्ज़ाम में कि आप बॉल पिन हैमर का चित्र बनाइए। तो जब आप उसका चित्र बनाते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा उसके दो या तीन भागों के नाम अवश्य लिखने हैं एग्ज़ाम में, तभी आपको उसमें से फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आप उस पर्पज़ से भी और हैमर के भागों के नाम ध्यान रखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉल पिन जो हैमर है इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग रिविटिंग, रिविटिंग माने दो धातुओं को जोड़ने के लिए, छेनी या पंच के ऊपर चोट मारने के लिए किया जाता है। बॉल पिन हैमर ही एक ऐसा हैमर है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा वर्कशॉप के अंदर होता है। तो ये है बॉल पिन हैमर। उसके बाद दूसरा देखेंगे आप मैलेट। अभी मैं आज आपको केवल दो ही हैमर कराऊंगी। बॉल पिन हैमर जो आपको दिखने में इस प्रकार से होता है, ये देखिए बॉल पिन हैमर है आपके पास में, ये हैंडल लगा हुआ है, ये इसकी पिन, फेस, चीक, आई होल, नेक, ये इसकी नेक है। तो ये है आपका बॉल पिन हैमर। दूसरा हैमर है आपका मैलेट। अभी हम केवल आज दो ही हैमर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अधिकतर इसका क्वेश्चन आता है कि लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं। तो लकड़ी का जो बना हैमर है वो आपका कहलाता है मैलेट। ये आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में, कि लकड़ी से बने हैमर को क्या कहते हैं। तो लकड़ी से जो बना हैमर होगा वो कहलाएगा मैलेट। आप इस तरह से मैलेट को आप देख सकते हैं, ये मैलेट है। मैलेट का काम कहाँ होता है? ये अधिकतर जो आपके शीट मेटल वर्कशॉप होते हैं उसके अंदर चद्दरों को मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या डेंटिंग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कारपेंटर वर्कशॉप में भी मैलेट का उपयोग, कील ठोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी के अंदर कील ठोकने के लिए मैलेट हैमर का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में केवल मैं इन दो ही हैमर्स के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के हैमर्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।